कश्मीरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी एमकेसी मेमोरियल हॉस्पिटल में, उसी के लिए आया था। बस अभी फ्री हुआ, जेट सर के लिए निकल ही रहा था। आई होप यहाँ मेरे साथ कॉफी पीने में तुम्हें कोई एतराज नहीं। नहीं जग्या, लेकिन तुम्हें घर आना चाहिए था। आनंदी, टाइम बिल्कुल नहीं था, खास करके इस मीटिंग के लिए आया था मैं। और इसलिए मैंने माँ से भी कह दिया था कि केसरबाग में किसी को ना बताए। और तुम तो सांची को जानती हो, अगर उसे पता चलता कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो न जाने वो कितने प्लान्स बना लेती। क्योंकि तुम्हारा साथ अच्छा लगता है उसे, तुम्हें बहुत चाहती है सांची। कॉफी प्लीज। ओके। यहाँ को लेकर घर में बहुत खुश है सब, तैयारियां भी शुरू हो गई है। जैसर में भी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही होंगी ना। जैसे ही माँ को मुहूर्त के बारे में पता चला, दौड़ भाग शुरू हो गई। साची बिटिया ने बहुत जिद की थी आप सबसे कहने के लिए। इस महीने की जो भी तारीख का मुहूर्त निकलता है वो शुभ है। चकिया, इस रिश्ते को लेकर अब भी कोई सवाल नहीं है ना तुम्हारे मन में? मेरा मतलब है कि उस रात छत पर हमारी बात हुई थी, कुछ कड़वी बातें बोल गई थी। नहीं आनंदी, इट्स ओके। तुम्हारे पास अपनी खुद की वजह थी। पिछले दिनों जिस तरह का बर्ताव किया मैंने, खास तौर से माँ के साथ, तुम नाराज थी, अपसेट थी। उस वक्त मैं तुमसे कुछ नहीं कह पाया, लेकिन अब कहता हूं, जो मैंने वादे किए हैं उन्हें मैं निभाऊंगा। किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर तुम खुश तो होना चाहिए। हाँ, मैं चाहता हूँ, गंगा को प्यार करता हूँ, उसे दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ। I love her! लेकिन ये बात मैं किसी को बता नहीं सकता, गंगा को भी नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी साची के साथ निभाने का वादा किया। क्योंकि वो तुझसे प्यार करती है। और ये बात मैंने आनंदी को भी बताई थी। घर में सब बहुत खुश है, मुझे और क्या चाहिए? मैं तुम्हारी खुशी की बात कर रही हूँ जग्या। जानना चाहती हूँ क्या किसी दुविधा में हो तुम गंगा को लेकर? आनंदी, कितनी अजीब बात है ना, लाल सिंह को पता था कि गंगा मुझे चाहती है, और ये बात तुम भी जानती थी। Obvious. गंगा को तो पता ही होगा, एक मैं ही था जिसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इस बात की भनक तक नहीं लगी मुझे, एहसास ही नहीं हुआ। इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है जग्या, कि किसे क्या पता था और कौन अनजान था। मेरे मन में तो सिर्फ हल्का सा शक था कि शायद गंगा तुम्हें पसंद करने लगी है, लेकिन अब तुम्हारी सगाई सांची के साथ हो चुकी है और तुम्हें इस बात पर पूरा भरोसा है कि सांची हमारे परिवार के लिए सही है। वो सबके साथ एडजस्ट कर पाएगी? परफेक्ट तो कोई नहीं होता ना जग्या, हर किसी में कुछ अच्छाइयां होती है तो कुछ कमी भी। हर ब्याह में सिर्फ लड़की को ही नहीं, उसके पति को, पूरे परिवार को थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है ना।
एक दूसरे की पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए खुद को ढालना पड़ता है ताकि एक छत के नीचे सब सुख शांति से रह सके। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी जग्या कि सांची पूरी कोशिश कर रही है खुद को बड़ी हवेली के लायक बनाने की। जग्या उसने हमेशा मॉडर्न और वेस्टर्न कपड़े ही पहने, लेकिन सगाई के बाद उसने अपना पहनावा बदल दिया ताकि अभी से उसे आदत पड़ जाए। कभी एक ग्लास पानी का भी किचन में जाकर खुद ने नहीं लिया, लेकिन आज वो रोज अलग अलग डिशेस बनाने लगी है, जिस लड़की ने कभी उपवास नहीं रखा उसने तुम्हारे लिए तीज का व्रत रखा। शायद ये व्रत वो पूरा भी कर पाती, लेकिन जब उसे पता चला कि तुम मैंगलोर गए हो तो मेरा यकीन करो जग्या, सांची में अगर जमीन आसमान का बदलाव आया है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, जगदीश। बहुत प्यार करती है वो तुमसे, और इसीलिए मुझे लगता है कि बड़ी हवेली की बहू बन सकती है वो। वो बड़ी हवेली की ट्रेडिशनल बहू, बिना हस्बैंड के रेस्टोरेंट में आना अलाउड नहीं है। प्लीज यार, मैं दूसरी बहुओं की तरह नहीं हूँ। बस एक बार बड़ी हवेली चली तो जाऊं, फिर देखना कैसे बदल देती हूँ मैं वहां के सारे रूल। इतना कॉन्फिडेंस? ऑफ कोर्स यार, तुम्हें क्या लगा मैं वहां जाकर के गांव की गवार गोरी बन जाऊंगी? नेवर। वेटर, सबके लिए पिज्जा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। वैसे सांची, तेरे जैसर में ये पिज्जा बर्गर तो मिलेगा नहीं। हाँ यार, ये तो है, वहाँ पे तो सिर्फ रोटियाँ, पराठे और खूब सारे तेल मसाले वाली सब्जियाँ ही मिलेंगी, इसीलिए मैंने सोचा है कि जब तक यहाँ हूँ ढेर सारा अपने पसंद का खाना खाऊंगी। तो आज तेरी प्यारी भाभी ने कौन सी नई डिश बनानी सिखाई? थैंक गॉड, आज तो मेरी किचन क्लासेस की छुट्टी है। बट सीरियसली, मैं तो ये सोच सोच कर ही पागल हो जाती हूँ कि ये औरतें सारा सारा दिन किचन में करती क्या है आखिर? आई मीन, अगर पैसे की प्रॉब्लम हो तो समझ आता है, लेकिन अगर आप मेड्स एंड कुक अफोर्ड कर सकते हैं तो क्या जरूरत है ये सब करने की? हाँ, और वो भी 10 किलो वजन के कपड़े और ढेर सारे गहने पहनकर। ओह गॉड। देखो यार, मैं तो ये सब सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हूँ, वरना मैं और ये देहाती गवार से कपड़े नेवर। बस एक बार शादी करके जेट सेट चली जाऊँ, फिर देखना वापस अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में आ जाऊंगी। ओए ओए, तो गांव की छोरी जीन्स और टीज पहनेगी, प्रॉब्लम हो जाएगी बिंदनी। प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम तो तब होगी ना जब ये बिंदनी गांव में रहेगी, ऐसा तो होने से रहा। देखो यार, मुझसे तो नहीं होने वाला, रोज रोज उठते बैठते दादी सा, काको सा, बापू सा, माँ सा, गॉड नोस पता नहीं कितने सा। मुझे तो डर लगता है कि हर वर्ड के पीछे कहीं सा लगाने की आदत ना पड़ जाए, जैसे पिज्जा सा, कॉफी सा, समोसा सा, हस्बैंड सा, पायल सा। ना बाबा ना, मैं तो गांव में नहीं रहने वाली। शादी के बाद मेरा सबसे पहला काम होगा जगदीश को कन्विंस करना कि या तो हम मुंबई में शिफ्ट हो जाएं या फिर यूएस। और वैसे भी अब तो उन्होंने एमएसबी कर लिया है तो कहीं भी अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। तुझे लगता है तेरे कहने पर अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए मान जाएंगे जगदीश? ऑफ कोर्स, मैं कहूँ और जगदीश ना माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर तेरी सासू माँ का क्या होगा साथी? उनका तो दिल ही टूट जाएगा, बेचारी कब से वेट कर रही है यार, कब आएगी मेरी बहू? बहू आएगी, लेकिन जल्द ही पुर भी हो जाएगी। अगर उन्हें ये लगता है कि मैं हर रोज उनके पाँव में तेल लगा करके मालिश करूंगी जैसे वो अपनी सास की करती है, तो प्लीज मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ।